इसमें एक अपील मैं सारी आवाम से करना चाहूँगा कि किराड़पुरे के भी जो दंगल का वाकया हुआ बोली गलत फहमी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इसको इतना बड़ा माहौल बनाने की या इतना बड़ा केस बनाने की जरूरत नहीं थी। वकील साहब, आज कोर्ट में क्या मामला चला और ये कौन से केस का आज आपने जमानत दिया? गुज़िश्ता रोज पहले कटकर गेट में एक CFC रेस्टोरेंट है शालीमार, उसके सामने एक हादसा पेश हुआ था जिसको हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया गया था, जबकि ऐसा वो कुछ नहीं था। गलत फहमी के कारण वो एक मामला हुआ जिसको पुलिस ने हमारे बहुत अच्छे तरीके से रातों रात हैंडल किया और कोई मामले को बढ़ने नहीं दिया। और उसके बाद जो है तो 40 से 50 बच्चों पे ये FIR लॉज हुई है, जिसके नाम तो नहीं है कि रैंडमली नाम दिया गया कि 40 से 50। और उसमें आज जो है तो तीसरे बच्चे को लेकर आया गया था, चौथे बच्चे को, जिसकी परसों जो है तो PCR मांगी गई थी 3 दिन की, जिसके कोर्ट ने 2 दिन PCR दिया था जैसे सबको दिया था पिछले भी। उसके बाद आज वो है तो MCR प्रोड्यूस किया गया, हमने अपनी बेल अप्लीकेशन दी, कोर्ट ने सरकारी वकील का से कॉल किया, उस पर जो है तो आर्गूमेंट हुई। आर्गूमेंट होने के बाद जज ने हमारी आर्गूमेंट को कंसिडर किया कि ये बच्चा सिर्फ वहाँ पे शोरमा लाने के लिए गया था, वो एक फेमस रेस्टोरेंट है, उसकी बीवी के साथ साथ में शोरमा लाने गया था, वो CCTV में आने के कारण इसको सिर्फ आरोपी बनाया गया FIR में, और कोई उसका एक्ट ही नहीं है इसमें, कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसके कारण बस CCTV में आने की वजह से इसको आरोपी बनाया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें कामयाबी मिली, कोर्ट ने हमारे आर्गूमेंट को कंसीडर करते हुए 15,000 की श्योरिटी पे जमानत मंजूर की। जमानत होने के बाद अक्सर देखा जाता है कि NCR होता है, हर्षल जाते हैं, फिर आते हैं, आगे आपके साथ में खड़ा है, तो ये मामला कैसे होता है? जिसमें MCR होके ऑलरेडी हर्षल भेज दिया जाता है जिन केसों में, और किसी के से के लिए रहता है आयोग के या सरकारी वकील का से रह जाता है, या कुछ पेपर्स कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रॉब्लम की वजह से अगर आरोपी को जेल में रखा जाता है हर्षल जेल में, सेंट्रल जेल में, तो वहाँ से रिलीज़ करवाना पड़ता है। अब ये जहाँ पे ऑन द स्पॉट इसको हमने रिलीज़ करवा दिया। ये जो मामला हुआ है आप बताइए, इस वक्त तक कितनी गिरफ्तारी हुई है, क्या और आगे भी और गिरफ्तारी हो सकती है? अब तक तो टोटल ये चौथा लड़का था जिसको अरेस्ट किया है, आगे FIR में तो 40 से 50 दिया गया है, और CCTV आधार ही जो है तो उनको अरेस्ट करना है, तो अभी आगे का तो बता नहीं सकते, इन्वेस्टिगेशन का वो है। इसमें एक अपील मैं सारी आवाम से करना चाहूँगा कि किराड़पुरे के भी जो दंगल का वाकया हुआ था उसमें भी, वो टाइम पे भी मैंने इसी महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे और मराठवाड़ा वॉइस दोनों चैनल के थ्रू पब्लिक को एक मैसेज दिया था कि इस तरह की जो भी घटनाएं यहाँ पे अपने औरंगाबाद शहर में घटती है तो पब्लिक खुद इसके कानून को अपने हाथ में ना लेते हुए मेरा एक सजेशन है आप सभी को कि आप ऐसा कोई भी दुर्घटना देखते हो तो जाकर के पुलिस स्टेशन में या 112 पे कॉल करके अप्रोच करें, ना कि कानून को अपने हाथ में लेकर अपने करियर को दांव पे लगाए। ठीक है, आज आप अरेस्ट हो रहे हैं, आपका नाम आ रहा है, आप रह रहे नहीं रह रहे उसमें, आप अरेस्ट हो रहे हो, अरेस्ट होने के बाद बेल भी हो जा रही है, लेकिन आपके कैरेक्टर पर ये स्टैम्प है, और इस चीज़ को सोचते हुए थोड़ा गंभीरता से इस बात को समझिए कि दोबारा कहीं भी आप अगर गलत एक्टिविटी देखते हो तो मेरा ये नहीं कहना है कि आप उस पर खामोश हो जाओ, आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर बोलो, वहाँ पे आपकी कोई नहीं सुनता है तो आप कमिश्नर ऑफिस के पास जाओ, कमिश्नर ऑफिस जाके कमिश्नर से गुहार लगाओ, हमारी पुलिस प्रशासन बहुत अच्छी है, सपोर्ट करती है, इंस्टेंट एक्शन लेती है, और इस इतना ही कहूँगा कि अभी इसमें जो है तो खुद एक्शन ना लेते हुए पुलिस को इस पर काम करने के लिए अप्रोच हो। एडवोकेट जीशान सरफराज जैदी। अफसर खान साहब, ये केस में आप शुरू से जुड़े हुए हैं, ये केस भी क्या किराड़पुरे का जैसा मामला हुआ तो उस तरफ जा रहा है? नहीं, देखिए इसमें किराड़पुरा का तो एक अलग माहौल था, उसमें एक अलग शक्ल दी गई थी, इसमें
कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं था, किरणपुरे में एक हादसा हो चुका था, लेकिन इसमें कोई हादसा नहीं था, इसमें एक मामूली गलतफहमी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इसको इतना बड़ा माहौल बनाने की या इतना बड़ा केस बनाने की जरूरत नहीं थी। वहां पे खासदार थे, वहां पे कदीर मुल्ला थे, अनेक लोग वहां थे, वहां के कुछ नगर सेवक दो तीन मैंने देखा बाइट में। ये गुना दाखिल होने नहीं देना चाहिए था, ये जगह पे निपटाया जा सकता था, जगह पे इस गुने को खत्म किया जा सकता था। डीसीपी वहां थे, एसीपी वहां थे, पीआई वहां थे, वहां बैठ के ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता था। लेकिन हमारे पास जो लीडरशिप है, वहां पर जाके खासदार कदीर मुल्ला ये लोग नगर सेवक फोटो सेशन करने के लिए गए थे, मैं ऐसा समझता हूं, क्योंकि इन्होंने फोटो खिंचाया, कैमरे में बोला, और खासदार ने तो ये भी बोला कि आप लोग बाजू सर को कैमरे में आएंगे तो पकड़े जाएंगे, कल मेरे को नहीं बोलना। जैसे इन्होंने खुद पुलिस को हिंट दिया कि कैमरे में लोग आ रहे हैं, और ये बच्चा जो आज जिसकी बेल हुई अकबर के दामाद, ये तो अपनी वाइफ के साथ वहां पे शोरमा लेने के लिए गया था। अब इसने जाके क्या वो कपल्स को सताया, वो लड़का लड़की को, या उनको गाली दिया, नहीं दे सकता। लेकिन इसको सिर्फ कैमरे में आने की वजह से लाया गया, और इसको शय कैमरे की देने वाला हमारा खासदार है, ऐसा मैं कहता हूँ। ये जो आरोप लगाए हैं आपने, इसी तरह की बात आपने किरारपुर के टाइम पे भी कहे थे कि खासदार के बोलने पे ये सभी गिरफ्तारियां होंगी, तो क्या जब भी ऐसा हिंदू मुस्लिम का मसला आता है इसमें खासदार सबका रोल रहता है हमारे? देखिए, आप खुद देख रहे हैं ना, टीवी में आप देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं, मैं देख रहा, सारा शहर देख रहा, उन्होंने क्या कहा उस टाइम में, भी क्या कहा था उन्होंने 500 लोग, लेकिन वो तो अल्लाह का फजलो करम है कि 100 लोगों पे निपटाएगा मामला। हम गए, आरिफ नसीम साहब बॉम्बे से आए, माजी होम मिनिस्टर, हमने सीपी को जाके बताया, सारी रियलिटी दिखाया, तो उसमें भी 100 के अंदर लोगों को पकड़ा गया, और अब इसमें भी 40 से 50 लोग ये खुद जाकर वहां पर बोलते हैं कि कैमरे में आएंगे, पकड़े जाएंगे, ये गलत बात है ना। वहां निपटाने की बात करो ना, आप शय क्यों दे रहे, आप गुना दाखिल क्यों होने दे रहे, जब आप इतने वहां पर बड़े बड़े नेता लोग हैं वहां पर, तो ये ऐसा करना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, मेरा स्पष्ट बोलना है। इससे बड़े बड़े मसले हल होते हैं बैठ के, वो लड़का लड़की को बोल देते कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, सॉरी बोल देते थे दो चार लोग, ये बड़े लोग वहां पे बैठ के बोल देते थे, तो गुनाह ही दाखिल होता नहीं था, मेरा ऐसा बोलना है। मामले से बचना, मामला देखो, हादसा होना एक अलग बात है, जानबूझ के करना एक अलग बात है, ये जानबूझ के हुआ नहीं, कुछ गलत फहमी हो गई, लोग वहां जमा हो गए, 40 से 50 लोग जमा हो गए या 100 लोग जमा हो गए, तो 100 लोग आरोपी नहीं होते ना, 40 से 50 लोग आरोपी नहीं होते। अगर किसी ने डायलॉग बाजी किया है, किसी ने कुछ बोला है, तो दो चार लोग, और वहां पे कैमरे में जितने भी लोग आए आप उतने को लाओगे, तो सरासर गलत बात है। हमारे लीडर उसको अगर शय दे रहे, हमारे लीडर अगर उसको बोल रहे हैं, तो ये तो अन्याय हो रहा हमारे नौजवान साथियों पे, हमारे सब नौजवान साथी इसमें आरोपी बन रहे हैं, नहीं बनना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसा। और जो घटना हो रही, मैं घटना के फेवर में नहीं हूं, ऐसी घटना कहीं भी होना नहीं चाहिए, शहर के अंदर लाइन ऑर्डर खराब होना नहीं चाहिए, हमारे लोगों ने भी समझना चाहिए कहां कैसी बात करनी चाहिए, किससे कैसी बात करना चाहिए। अगर किसी ने एक बोला तो चार लोग तुम जाके बोल रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अदबन गुजारिश करता हूं शहर के नौजवान साथियों से कि ऐसे चीजों पे ध्यान मत दो, क्योंकि कैरेक्टर आपका खराब होता है। जब आपको पासपोर्ट बनाना है, तो एक अगर आपके ऊपर स्टैम्प लग गया, तो आपके पासपोर्ट में अड़चन आती है, और ऐसे कई गुने ऐसे दाखिल हो रहे हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मंगाया जाता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको मिलता नहीं, तो बचना चाहिए, ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए, ये मैं अदमन गुजारिश करता हूँ सारे शहर के नौजवानों से। आप अक्सर ऐसे केसों में जो भी ऐसे मामले होते हैं उसमें हर वक्त आप कोर्ट में नजर आते हैं, तो क्या आप ये आने वाले इलेक्शन को देखकर ऐसे काम करते हैं? देखिए, इलेक्शन तो मैं 25 साल से लड़ता हूँ और अलग अलग वार्डों से चुनकर आता हूँ, मैं इलेक्शन के लिए कभी काम करता नहीं। अब मेरा वोट किरणपुरे में नहीं है, मैं दो बार किरणपुरे से चुन गया, ना मेरी माँ का वोट है, ना मेरे भाई का वोट है, ना मेरे बाप का है, ना मेरे कोई रिश्तेदार है, लेकिन अवाम ने मुझे चुन के दी, ये अकबर ये उनका दामाद है। मैंने किरणपुरा के लोगों के लिए काम किया तो कोई एहसान नहीं किया, मुझे 10 साल वहां का राजा बनाया किरणपुरा के लोगों ने। और अकबर का जैसे ही फोन आया, मैंने कॉन्टेक्ट किया हमारे एडवोकेट जिशान जैदी साहब को, इनके वालिद साहब भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त है सरफराज जैदी साहब, इनको मैंने कॉन्टेक्ट किया, इन्होंने बोला अफसर भाई ठीक है, मेरे पास में आप आधार कार्ड वो ला के दो, मैं बिल ले लेता हूं। तो मैं जिशान जैदी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक कॉल के ऊपर सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके टिकट लेके कस्टडी के टाइम भी उन्होंने कोर्ट के अंदर फाइट किया, बहस किया, आज भी बेल के लिए भी उन्होंने फाइट किया, उनको मैं मुबारकबाद देता हूं। और अकबर को भी बोलता हूं कि जिशान जैदी साहब का शुक्रिया अदा करो, उन्होंने बेल ले लिया है, ऐसा मैं कहता हूं।
मैं उनकी वाइफ हूँ और मैं मेरे शौहर जो है तो हम शवरमा लेने के लिए गए ऐसे से तो शालीमार के पास। ऐसे से एक बात बताओ, जो भी होगा ना तो उसमें कार्पोरेटर भी थे, जैसे मेरे हस्बैंड को बिना फूजल के उन्होंने अंदर डाले, वो लोग को भी अंदर डाले, वो लोग भी कैमरे में है। कितने लोग है वहाँ के जो होते ना, क्या मैं बोलना चाहू तो बहुत कुछ बातें हैं, बहुत सारे लोग उनको भी उठा लिया ना कि उनमें दम में बोल के नहीं उठा रहे, मेरे हस्बैंड में दम में बोल के उनको उठा लिए बिना फुजूल। ऐसा किसी को बह मतलब ना जाए तकलीफ मत दीजिए। किसके बोलने के लिए शोरमा ले रहे थे मैं मेरे हस्बैंड, तो उन पे कानून कार्रवाई कर रहा उनको, मतलब ये देखिए एक्सीडेंट होता है तो कुछ लोग गया या मैं या तुम देखते हैं ना कि भीड़ क्यों जमा हुआ, भाई अपना तो कोई नहीं है। बस ऐसे ही मेरे साथ और मेरे हस्बैंड के साथ हादसा हुआ। मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि वहाँ पे मेरे माँ बाप लोग रहते, मेरे देवर जेठ रहते जैसे रिक्शा चढ़ते, या कुछ चुनते है, कुछ तो नहीं हुआ, किसने कुछ बिगाड़ तो नहीं दिया, या मेरी खुद की बच्ची रही मैं इग्नोर करके तो नहीं जा सकती। वाकई में मैं देखूंगी ना भीड़ करके लिए जमा हुई। बस उसी टाइम मेरे हस्बैंड ने भी वही किया कि भाई भीड़ की हुई अपन देख लेते, शोरमा लेने के लिए आए भले ही कुछ हो तो देख लिया, देखने में कोई गुनाह नहीं है। मैं ये बोलना चाहूंगी हर एक को, किन लोगों की बात कर रहे हैं, देखो सुनिए ना, हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, गरीबों का उन्होंने सपोर्ट करना था, उन्होंने सपोर्ट करे नहीं वो ना, बिल्कुल इंतजाम साहब को हमने क्यों चुन के लेके आए, इंतजाम साहब को हमने क्यों चुन के लेके आए, कि हमारे सपोर्टेड है हमारे जो तो आवाम के लिए उन्होंने इतना लड़ते करते, तो हमने सोचा कल तो हमारे पे ना हादसा हो, पर हो हुआ। उस वक्त उन्होंने खड़े रहना चाहिए था मेरे हस्बैंड के साथ, क्योंकि मैं बहुत रो रही थी, उन्होंने खुद बोले कि अंदर डालो, जो कैमरे में आया अंदर डालो, तो फिर ऐसा नहीं है ना ऐसा रहनुमा। जो मेरा बोलना ये है कि उन्होंने सपोर्ट करना चाहिए था, मेरे हस्बैंड जब बेड़ा फिजूल के अंदर गए ना, तो उसके से मेरा बोलना ये है कि हमने उनको वोट डाले, हमने उनको इतना सपोर्ट करे, उनका काम था आज आवाम के लिए सपोर्ट करना था, एम आई एम के लोगों के लिए, मतलब जो हमने करे वो उन्होंने भी करना चाहिए था। मेरे हस्बैंड जो तो बिना फिजूल के अंदर चले गए, उनकी कोई गलती नहीं, उन्हें फाइट नहीं करते, उन्हें पुलिस वाले से और उठते डर रहे थे क्या कहा मेरे को मारते, मैंने कुछ नहीं करा साहब, मतलब हमने खुद इनको जमा करा कि मेरे हस्बैंड को मार नहीं पड़ना सर, ऐसा मत कीजिए। सिर्फ इम्तियाज जलील साहब ने क्या करना था, थोड़ी मेरे को सपोर्ट करते, मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे, ये छोटी है मेरी, मैं लोगों के घर का काम करती, मेरा हस्बैंड हाथ मजदूर, मैं कहाँ से करती। इसलिए मैंने सोची कि चलो अपन अख्तर खान साहब के पास जाए और उनसे थोड़ी राय लिए या फिर कुछ बोले। उन्होंने बोले ठीक है बेटा तू रो मत, मैंने पुलिस स्टेशन से ही फोन मारी, वो फरिश्ता बने और उन्होंने मेरी मदद करे। मेरा बोलना यही था कि एमआईएम के लोगों ने थोड़ी मेरी मदद करते थे तो मैं उनको भी दोषी नहीं ठहराती थी, क्योंकि मेरा हक ही नहीं बनता ना, इतना ही बोलना है मेरा बस।